असलम फ्रेंड्स वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एच बी एस सर्विसेज में तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वट इज़ द डिफ्रेंस बिटवीन क्लेम्ड एंड अनक्लेम्ड बिजनेसिस एंड किस तरह हम बिजनेसिस को क्लेम करेंगे आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अगर आप लोग इंटरनेट रिसर्च से रिलेटेड भी टास्क देते कंप्लीट uh, करते हैं या सर्विसेज देते हैं देन आपको क्लाइंट इस चीज़ की भी डिमांड कर सकता है कि उसको उसके एरिया में आप अनक्लेम्ड बिजनेसेस की लिस्ट प्रोवाइड करें इसके लिए बहुत सारे वेबस्क्राइपर्स भी हैं वो पेड हैं लेकिन फ्री टूल से आप ये नहीं कर सकते आपको फिर मैनुअली ही सर्च करना पड़ेगा तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि क्लेम्ड एंड अनक्लेम्ड बिजनेसेस में क्या डिफरेंस होता है और यह क्यों जरूरी होता है कि आप अपनी लिस्टिंग को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वेरीफाई करवाएं तो यहां पर मैंने एक इमेज आप लोगों के लिए ओपन की है यहां पर आप देखें आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आप देखें तो क्लेम्ड पेज की आपको एग्जांपल मिल रही है और अगर आप राइट साइड पर देखें तो अनक्लेम्ड पेज की आपको यहां पर एग्जांपल मिल रही है तो क्लेम्ड पेज आप यहाँ पर देखें आपको कितना प्रोफेशनल नजर आ रहा है जबकि अगर आप अनक्लेम्ड पेज देखें तो बिल्कुल भी आपको प्रोफेशनल लुक यहाँ पर नहीं नज़र आ रही तो सबसे मेन डिफरेंस आपको यहीं पर नज़र दूसरा आप यहाँ पर देखें रिव्यूज़ पब्लिकली विजिबल है टोटल कितने गूगल रिव्यूज़ है वो भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा एड्रेस फोन नंबर टोटल आर खैर इन्होंने शायद कंप्लीट ना किया उसके बाद रिव्यूज आप देखें यहाँ पर कस्टमर्स uh, के जो रिव्यूज़ हैं आपके जो रिप्लाइज होंगे वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो देखे राइट right है रिव्यू की ऑप्शन जो कि आपको एक अनक्लेम्ड बिजनेस में नहीं मिलती है तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि अगर आप अपने पेज को अपने लिस्टिंग को प्रोफेशनल दिखाना भी चाहते हैं तब भी आपकी जो लिस्टिंग है वो क्लेम्ड होनी चाहिए अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि क्लेम्ड और अनक्लेम्ड में डिफरेंस uh, और थोड़ा सा आपको वाजे करने की कोशिश करता हूँ और साथ बताता हूँ कि हम इसको क्लेम कैसे करेंगे देखें मैंने यहाँ पर एक लिस्टिंग ओपन की हुई है सैलून जेन लॉर और मैंने एक लिस्टिंग यहाँ पर से रैंडम सी ओपन कर ली और यहाँ पर एक लिंक आपको हर लिस्टिंग में नजर आएगा ऑन दिस बिजनेस का मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ अब आप यहाँ पर देखें ये बिजनेस क्लेम्ड है और यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है दिस लिस्टिंग हैज ऑलरेडी बीन क्लेम्ड और ये इसका जो ऑनर है उसका ई हाइड करके दिखाया जा रहा है क्योंकि ये लिस्टिंग वेरीफाइड है अब देखिए अगर हमने इस लिस्टिंग को क्लेम करना है तो हम इसके ऊपर रिक्वेस्ट एक्सेस के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर पर्पस बताएंगे कि हमें ये लिस्टिंग अगर हम इसके ओनरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो या किसी भी चीज़ के लिए तो हम यहाँ पर प्रॉपर रीज़न देंगे बताएंगे और हमारी इस बंदे से पहले डील हो चुकी होगी या अगर हम उसकी लिस्टिंग को मैनेज करना चाहते हैं तो वो हमें हायर कर रहा है तो हम उसको मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे लेकिन टोटली इसके आ, हाथ में इख्तियार होगा कि वो हमें रिजेक्ट कर सके या हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सके क्योंकि ये बिज़नेस क्लेम्ड है अब मैं यहाँ पर आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ अनक्लेम्ड बिज़नेस की आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी बाकी जो आपके डाउट्स बन रहे हैं जहन में वो भी क्लियर हो जाएंगे तो मैं एक और लिस्टिंग आप लोगों के सामने यहाँ से ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ से इस लिस्टिंग को मैं यहाँ से न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ ये एक अनक्लेम्ड बिजनेस की एग्जांपल है देखिए अभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी यहां पर अगर आप देखें तो आपको डायरेक्टली ये शो किया जा रहा है कि मैनेज नाउ का आपको बटन नजर आ रहा है लास्ट केस में अगर आपको याद हो तो वहां पर अभी जो मैंने अभी आपको बताया था उसके अंदर आपको रिक्वेस्ट एक्सेस की ऑप्शन मिल रही थी यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या ऑप्शन मिल रही है मैनेज नाउ आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है ठीक है क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देखिए अब इस बिज़नेस का चाहें तो आप नेम चेंज कर दें जी हाँ आप जो चाहें पर एडिट कर सकते हैं क्योंकि ये क्लेम्ड नहीं है इसी वजह से क्लाइंट आपको कहता है कि यार मेरे एरिया में मेरी निच्च से रिलेटेड आप लोग अनक्लेम्ड बिजनेस फाइंड करके दो ताकि वो बाद में उसको रिक्वेस्ट सेंड करके उसको क्लेम करवा सकें उस लोकेशन पर और ये फ़ायदा उनको होता है जो ज़्यादातर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं जिनका मतलब अगर मतलब फिजिकली उनका कोई एड्रेस ना भी हो क्लाइंट विजिट नहीं करेगा यानी कि आपको स्टार्ट में ऑप्शन आपको याद हो जब फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आपको एक ऑप्शन मिलती है कि आपका क्लाइंट आप फिज़िकली आपके ऑफिस को विज़िट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता तो ये मोस्टली उन लोगों के लिए जैसे कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर लाइक ऑनलाइन क्लासेस की कोई सर्विस दे रहा है तो जितने भी ज़्यादा ऑनलाइन या डिजिटल प्रोडक्ट्स जिनके सेल होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं जो अनक्लेम्ड बिजनेस होते हैं यहाँ से आप कैटेगरी चाहो तो चेंज कर दो हर चीज़ आप चेंज कर सकते हो आप इस बिज़नेस को मैनेज कर सकते हो जो भी आपने यहाँ पर एडिटिंग करनी कर कर सकते हो एंड अगेन वही सेम प्रोसेस है जो आपने स्टार्ट में फॉलो किया और उसके बाद आप यहाँ से देखें येस आई ऑल्सो सर्व दम आउटसाइड लोकेशन ठीक है हम यहाँ से नो no करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ अब यहाँ पे जो भी नंबर वगैरह आप हर चीज़ यहाँ पर अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं और डेट्स इट यहाँ पर अगेन अब आप अब इस बिज़नेस को क्लेम करना होगा आपको भी और क्लेम करने के लिए आपको वो वेरीफिकेशन कोड मंगवाना पड़ेगा अपने एड्रेस पर या इस एड्रेस पर जो भी आपने यहाँ पर दिया ताकि इस लिस्टिंग को आप वेरीफाई कर पाएँ देखें सेम वही प्रोसेस है जो हमने फर्स्ट वीडियो में फॉलो किया था ठीक है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगेन इस लिस्टिंग को कोई और फिर मैनेज कर सकता है तो ये एक बड़ा डिफरेंस होता है क्लेम्ड और अनक्लेम्ड बिजनेस में और उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी अगर आप लोग रिसर्च से रिलेटेड भी सर्विसेज देते हैं तो आपको इस तरह की भी जॉब देखने को मिलेंगी कि हमें अनक्लेम्ड बिजनेसेस चाहिए उसके लिए क्लाइंट आपको पोस्टल कोड प्रोवाइड कर देगा या कोई एरिया प्रोवाइड कर देगा स्पेसिफ़िक कोई सिटी होगी स्टेट में ज़्यादा मुश्किल से जाते हैं स्पेसिफिक सिटी होगी और उसका या कोई एरिया कोड पोस्टल कोड ज़रूर होगा और आपको कहा जाएगा इस पोस्टल कोड में से या इस एरिया कोड से हमें अनक्लेम्ड बिजनेस की आप लिस्ट निकाल कर दें और ये हमारी निश्चय इट कुड बी जैसे कि हो सकता है कोई सलून हो रेस्टोरेंट्स हो कुछ भी हो सकता है तो आप इस तरह एक अनक्लेम बिजनेस को अपनी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे और क्लाइंट बाद में उसको क्लेम करे ना करे वो उनकी सिर पीटें यह रिसर्च से रिलेटेड भी आपको टास्क मिलते हैं तो आपको डिफरेंस भी पता चल गया कि क्लेम्ड और अनक्लेम्ड बिजनेस में डिफरेंस क्या होता तो है और क्यों जरूरी होता है कि आप अपनी लिस्टिंग को क्लेम करें तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब मैं मैं तो फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़